महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मराठा रिजर्वेशन को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया, लीडर्स को बुलाया, हमको नहीं बुलाया, एमआईएम को नहीं बुलाया। हमारे यहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दो हमारे एमएलए, फिर भी हमको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। हमने तो हमेशा से कहा है कि मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिले। ये कमेटी के रिपोर्ट्स है, सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, तमाम कमेटी के रिपोर्ट ये दर्शाते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 2014 के चुनाव के पहले जब ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी जब सत्ता में थी, तो 14 के चुनाव के पहले जाते वक्त उन्होंने 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, मगर उसका कोई प्रॉपर कानून नहीं बनाया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। मैटर गया मुंबई उच्च न्यायालय में, मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए, सरकार की उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। देखिए, हमने तो विधानसभा में भी खड़े रहकर कहा कि मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके मां बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़े ऑफिसर बने, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने, दूसरे नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, हमारा भी अरमान है। तो क्यों सरकार जो हाईकोर्ट का आदेश है 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देने का, उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? मराठा भाइयों को भी रिजर्वेशन दीजिए, मुसलमानों का भी जो हाईकोर्ट ने किया ऑर्डर उसको भी रिजर्वेशन दीजिए, यह हमारी महाराष्ट्र की सरकार से मांग है।